The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि थायराइड के साथ वजन को कैसे मैनेज करें। कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है और उसके वजह से उनका वजन बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में आप अपने वजन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा समझेंगे थायराइड को, उसके बाद हम समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म पे थायराइड कैसे इफेक्ट करता है, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आता है, और फिर हम समझेंगे कि बीएमआर वजन के साथ में क्या लिंक करता है, और फिर बात करेंगे अदर फैक्टर्स की कि थायराइड का अलावा बीएमआर के अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ता है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है और उसके वजह से वजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम देखेंगे, और हाइपरथायरॉयडिज्म को जब ट्रीट किया जाता है तब उसके वजह से क्या वेट गेन हो सकता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है वो भी हम देखेंगे, और हाइपोथायरॉयडिज्म का वेट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है ये देखेंगे, और हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से ट्रीटमेंट पर आपका वेट लॉस कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, उसके बाद समराइज करेंगे, और लास्ट में थायरॉयड हार्मोन कैसे आपके वेट लॉस के लिए भी हेल्प कर सकता है इस सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। सो थायरॉयड कैसे मैनेज करें थायराइड के साथ वजन को। सो थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जो आपके गले में होता है, और नॉर्मली ये इसका जो जॉब है वो एक ही जॉब है कि ये थायराइड को हार्मोन बनाए। ये हार्मोन आपके खून में हर सुबह सिक्रीट हो जाता है और हर एक टिश्यू में बॉडी में जाता है। थायराइड हार्मोन की वजह से आप एनर्जेटिक रहते हैं, गर्म रहते हैं, आपका ब्रेन, हार्ट, मसल, सारे ऑर्गन्स जो हैं वो उसके हिसाब से काम करते हैं। एक तरीके से एक्सेलरेटर है आपके पूरे सिस्टम के लिए, इसी को मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं आप, एक्सेलरेटर। यानी बॉडी के मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर जितने भी ब्रेकडाउन या जितनी भी चीज़ें टूटती हैं, बनती हैं, खाना टूटता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स निकलते हैं, उससे टिश्यूज बनते हैं, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म से, उससे ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन लेके टिश्यूज जाते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, ये सारे मेटाबॉलिज्म है। इन्हें एक स्पेसिफिक टाइम पे आपकी बॉडी कितना एनर्जी बनाती है, यूज करती है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, और उसको हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से यूज करते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय द बॉडी ओवर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, और रेस्टिंग स्टेट में उसे देखते हैं तो बेस मेटाबॉलिक रेट उसे कहा जाता है। तो इसका मेजरमेंट जो है वो एक अर्ली असेसमेंट बोल सकते हैं आप कि थायराइड पेशेंट के अंदर बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है अगर थायराइड आपके हार्मोन स्लो है तो। सो बीएमआर एक कॉम्प्लेक्स चीज है क्योंकि ये 100% स्पेसिफिक चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि बीएमआर कुछ लोगों का मसल फैट परसेंटेज और मसल के अंदर मसल मास परसेंटेज को बहुत ज़्यादा काउंटर नहीं करता। तो थायराइड ग्लैंड अगर आपका सही से नहीं काम कर रहा है, यानी हाइपोथायराइड है, तो बीएमआर आपका लो पाया गया। अगर आपका ओवर एक्टिव थायराइड है तो बीएमआर हाई पाया गया। इसके बाद कई स्टडीज ये बताती हैं कि मेजरमेंट आपके थायराइड लेवल के, उसके वजह से ये देखा गया कि लो थायराइड लेवल और लो बीएमआर, हाई थायराइड लेवल, हाई बीएमआर, ये सारी चीजें स्टडीज में क्लियरली प्रूव है, ठीक है। अब ज्यादातर लोगों में कई बार लिंक बीएमआर का वेट के साथ क्यों होता है, देखो एक बंदा जितनी भी कैलोरी खाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना खाते हैं, अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाए तो वही एक्स्ट्रा खाना आपके घर शरीर में फैट बन के जमा होगा, चाहे किसी भी प्रकार का खाना हो। अगर आपका बीएमआर ज्यादा है तो वो खाना यूज होगा, आप पतले होते जाओगे। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका वजन डिटरमाइन करने के लिए, और थायराइड हार्मोन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उस बीएमआर के अलावा और भी कई चीजें हैं, जैसे कि एनर्जी बैलेंस और पूरे दिन में आप क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, आपकी बॉडी की कोई डिजीज तो नहीं है, और कई सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं कि आप पूरे दिन बैठे रहते हो, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट रेस्टिंग स्टेट में आपका मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि आप पूरा दिन क्या कर रहे हैं। तो देर आर 100 मोर फैक्टर्स विच अप्लाई, बट बीएमआर इज जस्ट वन, ये रिमेंबर दैट। सो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो जाता है कि थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं। थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाने की वजह से कई लोगों का बीएमआर बढ़ जाएगा, उसके वजह से उनका वेट लॉस होने लगेगा। बैठे 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 उनकी मेटाबॉलिज्म ज्यादा, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट ज्यादा होता जाएगा, थकेंगे ज्यादा, कमजोर फील करेंगे, वेट लॉस होता जाएगा, देर विल बी वेट लॉस। हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से वेट लॉस देखा गया है, और ऐसे केस में कई बार ये ऐसे आंखें बाहर आ जाती हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो अलग से है जिसमें उसके साइन एंड सिम्टम्स बताए गए हैं, और कई बार उसमें कुछ फेजेस होते हैं, टॉक्सिक थायरॉयडाइटिस
और ग्रेव्स डिजीज, वो दूसरे तीसरे टाइप्स होते हैं हाइपर थायराइड के, नंदलेस अल्टीमेटली बॉडी का एक्सेलरेटर ज्यादा हो गया। अब अगर हाइपर थायराइड को ट्रीट किया जाएगा तो थायराइड हार्मोन को दबाने की दवाई दी जाएगी, उस दबाने से क्या होगा, एक्सेलरेटर स्लो होगा, तो जो भी आप डाइट ज्यादा खा रहे हो उससे आपका वेट गेन होना शुरू होगा। सो हाइपर थायराइड के ट्रीटमेंट से वेट गेन होगा, ये ध्यान में रखें। हाइपोथायराइड उसका उल्टा, यानी आपका थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है थायराइड ग्लैंड से, तो बॉडी का एक्सेलरेटर स्लो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो है, बैठे बैठे आपकी बॉडी कम एनर्जी यूज करेगी, अल्टीमेटली आपका वेट गेन होने लगेगा। वेट गेन होता जाएगा, फिर आप अगर देखेंगे तो एक्सेस अक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर भी होगा, एक्सेस फैट भी बनेगा, और कई बार थायराइड में आपका कई 5-5, 10-10 किलो भी, पाउंड्स भी वेट गेन हो सकता है, मैसिव वेट गेन भी हो सकता है। अब ऐसे केस में जब थायराइड का हार्मोन दिया जाता है, थायरोक्सिन मेडिसिन दी जाती है, तो क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर से सॉल्ट वाटर एक्यूमुलेशन कम होगा और आपका वेट और बॉडी फैट परसेंटेज कम होना शुरू हो जाएगा। सो हाइपोथायराइड के ट्रीटमेंट से आपका वेट कम होता है, ये ध्यान में रखें। सो की पॉइंट क्या याद रखनी है, आपका वेट लॉस जो है थायराइड के हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों के ट्रीटमेंट के वजह से होगा। तो ट्रीटमेंट के वजह से आपका वेट मैनेज हो पाएगा, अगर कम है तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कम होगा, तो ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। सो थायराइड का बहुत बड़ा हाथ है आपका वजन मेंटेन रखने में। सो थायराइड हार्मोन जरूर अपना चेक कराइए, TSH, T3, T4, ठीक है, और अपने डॉक्टर से बात करें। थायराइड हार्मोन आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प कर सकता है, और उसे रेगुलरली मेंटेन करने के लिए साल में एक बार जरूर थायराइड का चेकअप कराएं। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।